नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया और अब सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधनों में भी खींचतान जारी। एक और एनडीए में लगातार एलजेपी की तरफ से आवाज उठ रही है, तो वहीं अब आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस के स्क्रीन कमेटी के कुछ सदस्य बिहार आए थे, उसमें जो बातचीत हुई है उससे निकल कर यह सामने आया है कि अगर कांग्रेस लगातार 90 सीटों की डिमांड कर रही है, तो वहीं आरजेडी कह रही है कि 55 से 60 सीटें ही दी जाएंगी, और अगर कांग्रेस 55 या 60 सीटों पर नहीं मानती है तो आरजेडी गठबंधन के फॉर्मूले को बदल सकती है। खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने प्रियंका गांधी से बातचीत भी की है फोन पर दोनों की बातचीत हुई है, लेकिन इस बातचीत में क्या तय हुआ है सीटों का बंटवारे को लेकर, यह साफ अभी तक तस्वीर सामने नहीं आई। लेकिन ये बार बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस लगातार विधानसभा चुनाव में 90 सीटों की डिमांड कर रही है। उसका कहना है कि उसे इस विधानसभा चुनाव में कम से कम 90 सीट जरूर दिए जाए, लेकिन आरजेडी की तरफ से 50 और 60 सीटों का ही ऑफर। ऐसे में जब महागठबंधन से लगातार इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए थे, उनका भी ये कहना था कि महागठबंधन में किसी तरीके की सुनवाई नहीं हो रही है और तेजस्वी यादव खुद को घोषित मुख्यमंत्री उम्मीदवार मान चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन में जब तक सीटों का बंटवारा तय नहीं हो जाता, तब तक ये कहना कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री उम्मीदवार के चेहरे होंगे, तो ये बहुत ही गलत होगा। खैर, बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव 3 फेज में बिहार में होने हैं और चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। हालांकि कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य बिहार का दौरा कर रहे हैं, वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि हम 243 सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव ने जो प्रियंका गांधी से बातचीत की है कि क्या इस बातचीत के बाद कोई एक निष्कर्ष निकलेगा, किसी फॉर्मूले पर बात बनेगी, या फिर तेजस्वी यादव कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे। बस थोड़ा सा इंतजार करिए। लगातार बिहार के चुनाव पर हमारी कवरेज जारी है। चुनाव की हर एक खबर के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।